हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं रिगार्डिंग योर मैरिज। आपकी शादी किससे होगी, आपकी शादी कब होगी, और आपके लाइफ पार्टनर कैसे होंगे, कैसी होंगी, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। सो इट्स ऑल अबाउट योर मैरिज। सो यहाँ आपके सामने है दो ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर वन वी हैव इज नाइट ऑफ कप्स। And option number two, we have Ten of Pentacles. So जिस भी कार्ड के साथ आप यहाँ कनेक्ट कर पा रहे हो वो वाला कार्ड आप चूज करिए एंड वी विल स्टार्ट योर रीडिंग विथ द ग्रुप नंबर वन। हेलो गाइज, ग्रुप नंबर वन, तो आपने चूज करा है कार्ड नाइट ऑफ कप्स। चलिए देखते हैं कि हाउ विल बी योर लाइफ पार्टनर, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। हम हर चीज़ यहाँ पे चेक करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके जो लाइफ पार्टनर हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपके लाइफ पार्टनर का नेचर कैसा होगा, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी। लेट्स सी नेचर ऑफ योर लाइफ पार्टनर। Two of Cups, Seven of Cups, Ace of Cups, Judgment. So very Cups वाली energy यहाँ पे, very emotional energy. I feel कि आपकी love marriage हो सकती है, या आप you know अगर arrange भी कर रहे हो तो पहले आप उनसे काफ़ी time तक बात करोगे phone पे, और एक मतलब वो love में ही convert हो जाएगा। So basically आप ऐसे पर्सन से शादी करोगे जिनसे आपको बहुत प्यार है और उन्हें आपसे बहुत प्यार है। तो ये जो पर्सन होंगे ना, ये थोड़े से इमोशनल सेंसिटिव काइंड ऑफ अ पर्सन होंगे, ठीक है। इनमें एक इमोशनल इंटेलिजेंस होगी और ये बहुत ही प्यारे इंसान होंगे, दिल से बहुत केयरिंग होंगे, बहुत लविंग होंगे। और इवन चाहे लड़की भी है तो बहुत केयरिंग, बहुत लविंग, फैमिली ओरिएंटेड, और मतलब कि इनके लिए मैरिज मतलब कि एक बहुत स्ट्रांग बॉन्ड, बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप। सो ये मैरिज को मतलब बहुत दिल से निभाएंगे और बहुत केयर करेंगे ये अपने पार्टनर की, इस तरह के पर्सन हैं ये। एंड ये ना बहुत सेंसिटिव पर्सन है, इमोशनल है। तो जैसे कि अगर मतलब इस तरह की जैसे कि कोई गलती होगी तो आप इनको सॉरी बोल दोगे तो ये उसी में मान जाएंगे। बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करने वाले पर्सन नहीं होंगे ये, और आई फील कि ये पर्सन आपको प्रपोज करेंगे बिफोर मैरिज। आपने कार्ड भी चूज़ करा है नाइट ऑफ कप्स, सो येस, अ वेरी रोमांटिक इमोशनल पर्सन होंगे ये, बहुत केयरिंग, आपको गिफ्ट्स वगैरह देना पसंद करेंगे। और ये भी है ना कि इस इंसान की ख्वाहिशें भी बहुत होंगी कि इस इंसान को हर चीज़ लाइफ में अचीव करनी है, बहुत सारे ड्रीम्स होंगे इस पर्सन के। सो कहीं ना कहीं ये ऐसे पर्सन होंगे जो ये चाहेंगे कि आप इनको इनके ड्रीम्स में सपोर्ट करो, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि इनसे मिलने से पहले, ये आपसे मिलने से पहले इनकी लाइफ में ढेर सारे ऑप्शंस हों, या यू नो जैसे फैमिली दिखाती रहती है बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे रिश्ते आते रहते हैं, या बहुत सारे चॉइस होती है हमारे सामने कि हम किसको चूज़ करें, ठीक है। लेकिन जब आप इनकी ज़िंदगी में आओगे या वो आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो ये आपको चूज़ कर रहे हैं। सो डेफिनेटली उन्होंने आपको सबसे स्पेशल माना है इन सब में से, तभी उन्होंने आपको चूज़ करा है। सो ये आपको ज़िंदगी भर ट्रीट भी वैसे ही करेंगे, किंग की तरह, क्वीन की तरह, बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करेंगे। और ये जो पर्सन होंगे ना, ये इक्वालिटी में बिलीव रखते हैं कि अगर रिश्ता दो लोगों का है, दोनों की जिम्मेदारी है उस रिश्ते को दिल से निभाने की। सो इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करता है कि जितना प्यार वो आपसे कर रहे हैं या कर रही हैं, उतना ही प्यार आप उनसे करो। और ये थोड़े से ना रोमांटिक काइंड ऑफ होंगे कि मतलब कि इनको पसंद होगा कि अगर आप इनको क्यूट मैसेजेस भेजो, या यू नो क्यूट फॉर्म में लव करो, आई लव यू बोलो बार बार, केयर करो इनकी, इनसे ऐसे पूछो कि आपने खाना खाया या नहीं, ठीक है, मतलब इनसे पूरा अंदर रूटीन पूछो, लाइक एवरी थिंग। ये आपको अपने बारे में मतलब दिल खोल के जो बात करने वाले पर्सन होते हैं ना, ये उस तरह के पर्सन है। एंड ये जो आपका रिलेशनशिप होगा ना, ये एकदम सोल मेट काइंड ऑफ रिलेशनशिप है, डिवाइन की तरफ से भेजा हुआ रिलेशनशिप है। ये पर्सन की आने के बाद आपकी ज़िंदगी में
एक नया चेंज आएगा, एक न्यूनेस आएगी। जो भी एक डिस्ट्रैक्शंस थी आपकी लाइफ में, जो आप भटक रहे थे ना, कंफ्यूज से हो रहे थे, ये पर्सन बहुत भटक रहे थे यहाँ वहाँ, तो एक स्टेबिलिटी आएगी ज़िंदगी में। आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में हीलिंग लेके आओगे, लव लेके आओगे, वो स्टेबिलिटी लेके आओगे, वो प्यार लेके आओगे। और ये जो लव होगा ना, ये बहुत ही फॉरएवर काइंड ऑफ लव होगा, ये बहुत क्यूट लव होगा। और ये पर्सन एक्चुअली में बहुत रोमांटिक है, मतलब कि बस अपने पार्टनर को बहुत पैम्पर करना, बहुत केयर करना, और एक डिवाइन ब्लेसिंग होगी आपके रिलेशनशिप पे। एंड आई फील इज अ स्ट्रॉन्ग चांस ऑफ लव मैरिज इन दिस रिलेशनशिप। चलिए अब देखते हैं कि शादी के बाद जो है आपका रोमांटिक इमोशनल बॉन्ड कैसा रहने वाला है आपके लाइफ पार्टनर के साथ। द सिल्वर वाटरफॉल, ढेर सारी हीलिंग एंड स्टेबिलिटी। एंड यू विल फील कि इस पर्सन से शादी करके आपने आपकी लाइफ की मतलब बेस्ट चीज़ करी है। मतलब ये पर्सन ना आपको इतना पैम्पर करेंगे, इतना पैम्पर करेंगी, ठीक है। मतलब अंदर से जो हैप्पीनेस मिलती है ना, अंदर से जो सुकून मिलता है लाइफ में, आपको ऐसी फीलिंग होगी। तो आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी रहने वाली है, फुल ऑफ हीलिंग। डेटिंग, आई फील कि आप दोनों का डेटिंग पीरियड कभी ख़त्म ही नहीं होगा, आप हमेशा एक दूसरे को डेट करते रहोगे। इवन दो जैसे अभी शादी भी हो गई तो भी यू नो आप वो पर्सन आपके लिए फ्लावर्स लेके आ रहे हैं, या आपके लिए यू नो कुछ अच्छा कर रहे हैं, गिफ्ट्स दे रहे हैं, बाहर घुमाने ले जा रहे हैं, और बहुत पैम्पर कर रहे हैं हमेशा। यू नो यू विल फील कि आप लाइक जस्ट लाइक अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आप लवर्स की तरह ही हो। और शादी से पहले भी आप लोग काफ़ी टाइम तक डेट कर सकते हो एक दूसरे को। इमोशनल फ्रीडम, तो यू नो एक ईजिली एक एक्सप्रेस करना अपने इमोशंस को। एक होता है ना कि इस तरह के पार्टनर्स भी होते हैं, मैंने देखा है कि यू नो एक जो पार्टनर होगा वो अपने पार्टनर से कुछ भी कहने में डरेगा, क्योंकि उसको डर है कि सामने वाला पता नहीं कैसे रिएक्ट कर दे, सामने वाला पता नहीं कैसे गुस्सा तो नहीं कर दे, तो वो एक डर रहता है रिश्ते में। बट आपके केस में ऐसा नहीं है, आप एक दूसरे को इमोशनली अपने इमोशंस आप मतलब एक्सप्रेस कर सकते हो, और कोई जजमेंट वाली फीलिंग नहीं होगी आपकी, जज कर रहे हैं वो पर्सन आपको, आप उनसे कुछ भी कह सकते हो। मतलब वो ना आपको इतना फ्रीडम देंगे, इतना ओपनली एक्सप्रेस करने का एक मौका देंगे। आई थिंक इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है, इससे बड़ी कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। अगर मैरिड लाइफ के बाद ये वाला गिफ्ट अगर मिल जाए तो कंसिडर योर सेल्फ वेरी लकी कि अगर ऐसा है तो। चलिए यहाँ से देख लेते हैं सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर मैरिड लाइफ। ग्रुप नंबर वन, आपके पार्टनर के चार्ट में वाटर साइन बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है। मे बी उनका सन साइन वाटर साइन में हो, या मून साइन वाटर साइन में हो, या ये भी हो सकता है कि इनका जो असेंडेंट है वो वाटर साइन हो। बट येस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कहीं ना कहीं वाटर साइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पार्टनर के चार्ट प्लेसमेंट में। वी हैव डिटैच, आई थिंक ये जो पर्सन है ये बेसिकली जो आपके पास्ट से आपको मूव ऑन भी करवाएंगे, ठीक है। मतलब कि इट्स लाइक दैट कि ये जो पर्सन है, अगर आपका पास्ट बहुत ज़्यादा ख़राब रहा है, तो ये इस पर्सन का जो लव होगा ना, वो एज अ हीलिंग होगा आपके लिए, कि आपको डिटैच करेगा आपके पास्ट से। इवन वाइस वर्सा ऑल्सो, शेयर द लव, लव फॉर एवर रहेगा, ठीक है। हमेशा वो शेयरिंग रहेगी लव में, ये नहीं आपको फील होगा कि वो कम प्यार करते हैं, आप ज़्यादा करते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इक्वल शेयरिंग ऑफ लव होगा आपके रिश्ते में, ओपन एक्सप्रेस कर सकते हो अपने आप को आप इस पर्सन के साथ। देन वी हैव विन और लूज, सो आई थिंक दिस रिलेशनशिप विल बी ईदर विन और लूज, इट विल डिपेंड ऑन यू। क्योंकि जब दोनों तरफ से ही इतना एक्सट्रीम इमोशंस होता है ना, तो कई बार वो इमोशनल क्लैश भी हो जाता है कि कौन ज़्यादा प्यार करता है, कौन ज़्यादा सेंसिटिव है, कौन ज़्यादा पोसेसिव है। सो आपको अपने इमोशंस को अपनी ताकत बनाना है, आपको अपने इमोशंस को यू नो अपनी कमज़ोरी नहीं बनाना है कि आप एक दूसरे से ही लड़ लिए, ठीक है, ऐसा भी नहीं करना है। सो थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ प्रैक्टिकलिटी अगर इस रिश्ते में होगा तो बहुत बेटर होगा, बिकॉज ये फाइव ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो सोर्ड्स इज़ ऑल अबाउट इमोशनल बैलेंस, सॉरी मेंटल बैलेंस ऑल्सो। सो कहीं ना कहीं अगर एक प्रैक्टिकलिटी भी रहेगी रिश्ते में, इमोशन तो ऑफ कोर्स, प्रैक्टिकलिटी भी रहनी चाहिए थोड़ी सी रिश्ते में, तो उस रिश्ते में क्या एक ग्राउंडेडनेस रहती है, तो वो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो वो उस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ से देखते हैं,
सो वी हैव ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू. कहना कहीं कि ये जो पर्सन है इनसे शादी करने के बाद आपकी लाइफ में करियर वाइज भी बहुत ग्रोथ आएगी, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए लकी चार्म होंगी. कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है आपको लाइफ में पुश भी करेंगे टू अचीव योर ड्रीम्स, टू अचीव योर गोल्स. ठीक है, तो आई थिंक आप लाइफ में बहुत आगे तक जाओगे और एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करोगे हर फॉर्म में. एक दूसरे की रिस्पेक्ट का ध्यान रखोगे, एक दूसरे को करियर वाइज पूरा सपोर्ट करोगे, आपका जो पार्टनर है वो आगे बढ़े ज़िंदगी में. देन इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ़ यू वॉन्ट टू अचीव योर गोल्स. अगर अभी आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, ठीक है, और अगर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, तो आपको अपने एफर्ट्स में कमी नहीं करनी है. अगर आपका ड्रीम है कि हाँ यही मेरे लाइफ पार्टनर हैं, तो आपको अपने एफर्ट्स भी उस हिसाब से बढ़ाने हैं. ठीक है, तो आपको गिव अप नहीं करना है आपके पर्सन पे. देन यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल समहाउ. ये पर्सन के आने के बाद आपकी ज़िंदगी में एक रोल चेंज हो जाएगा. आप जैसे अभी जैसे हो, अगर आप थोड़े से मेच्योर हो, तो एक मेच्योरिटी लेके आएंगे पर्सन आपकी लाइफ में, कुछ एक चेंज लेके आएंगे आपकी लाइफ में. आप यू विल फील कि अब आप एक डिफरेंट पर्सन हो इस इंसान के आने के बाद. आप एक अलग इंसान हो, आप एक अच्छे इंसान हो, और अच्छे इंसान हो, आप एक पॉजिटिव पर्सन हो. देन ग्रेट गुड फॉर्चून. सो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी लकी चार्म होंगे आपकी लाइफ में. वो फॉर्चून लेके आएंगे, वो लक लेके आएंगे जिसका आपको वेट है. सो बेसिकली वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड हीलिंग रिलेशनशिप रहेगा ये आपका. चलिए एडवाइस देख लेते हैं. ग्रुप नंबर वन, लाइटन अप. सो ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है. ठीक है, अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में है भी अभी और आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और बहुत ज़्यादा टेंशन ले, तो लाइटन अप. ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, अपने एफर्ट्स लगाओ, अपना जो आपका काम है आप वो करो, बट बर्डन लेके नहीं चलना है. बिकॉज अगर ये पर्सन आपके लिए है, ये एक्चुअली में आपके सोलमेट हैं, तो ये आपकी लाइफ से कहीं नहीं जाएंगे. आपके ऊपर प्रोटेक्शन है और आपकी शादी आपके सोलमेट से ही होगी, वो आपके लिए ही बने हैं. नो यू आर लव्ड. तो कभी कभी हमें ऐसे फीलिंग होती है कि हमारा पार्टनर हमसे प्यार नहीं करता है, बट कभी कभी वो पार्टनर ऐसा उलझा हुआ होता है ना कुछ कामों में कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट योर पार्टनर लव्स यू, एंड इन फ्यूचर ऑल्सो नेवर डाउट योर पार्टनर कि वो आपसे प्यार नहीं करते. देन कूल योर इमोशंस. अगर आपका गुस्सा थोड़ा सा तेज़ है, आप थोड़े से अग्रेसिव पर्सनैलिटी हो, ठीक है, आप थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड हो, सो मेक श्योर कि आप गुस्से को अपने रिश्ते के ऊपर हावी ना होने दो. ऑलवेज कूल डाउन योर इमोशंस, ऑलवेज काम डाउन इन एवरीथिंग. ठीक है, और इवन नॉर्मल इमोशंस भी, ठीक है, अब बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल भी नहीं होना है, नॉर्मल एक बैलेंस रहना है, टू ऑफ कप्स की तरह बैलेंस रहना है अपने आप को. ओके, सो नॉट ओवर सेंसिटिव, नॉट ओवर एग्रेसिव, नॉर्मल मीडियोकर एक बीच में नहीं रहना है. तो आई थिंक एक रिश्ते में बैलेंस बना रहता है अच्छा, तो वो बेटर रहेगा आपके लिए. चलिए अभी हम फाइनली कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए कि कब तक आपकी शादी हो सकती है. सो वी हैव एट ऑफ सोर्ड्स. तो 8 मंथ्स तक तो नहीं, 8 मंथ्स तक तो भी थोड़ा सा स्टकनेस है, या 8 वीक्स तक तो नहीं. आई फील कि जो आपके शादी का जो बोलते हैं योग बनेगा, आई फील कि वो आफ्टर 3 to 4 मंथ्स ही है आपके लिए. उससे पहले यहाँ मुझे आपकी शादी होते हुए नहीं दिख रही है. सो आई फील बट प्रॉबली इट्स नेक्स्ट ईयर. नेक्स्ट ईयर टिल अप्रैल, आई फील नेक्स्ट ईयर टिल अप्रैल आपका ये जो काम है ये हो सकता है. बट इस साल प्रॉबली बात चले आपकी शादी की, बट शादी आपकी नेक्स्ट ईयर की होगी, ये चीज़ भी है यहाँ पे. ओके, सो गाइज ये है आपकी रीडिंग. आई होप कि आपको यहाँ से हेल्प और गाइडेंस मिली हो. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. बाय, टेक केयर. हाय गाइस, ग्रुप नंबर 2. तो आपने चूज़ करा है कार्ड 10 of Pentacles. चलिए देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, आपके लाइफ पार्टनर कौन होंगे, कौन होंगी, और आपकी मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है. सबसे पहले वी विल चेक ग्रुप नंबर 2 कि आपके पार्टनर का नेचर कैसा होगा. हाउ विल बी
द नेचर ऑफ योर लाइफ पार्टनर. टेन ऑफ कप्स आपकी रीडिंग में दो टेन, टेन ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सोड्स, द मून, टू ऑफ वॉन्ड्स. ओके, सो सबसे पहले तो आपके लाइफ पार्टनर बहुत फैमिली ओरिएंटेड होंगे, इनको अपनी फैमिली से बहुत प्यार होगा. सो जब आप इनकी फैमिली का पार्ट बनोगे तो इनको आपसे भी बहुत प्यार होगा, बहुत रिस्पेक्ट के संग रखेंगे, बहुत ही अच्छे से रखेंगे ये पर्सन आपको. ठीक है, इस पर्सन का एक्चुअली ड्रीम भी है कि इनकी एक प्यारी सी फैमिली हो, बच्चे हो, घर हो. तो बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होंगे या होंगी ये. सो वेरी नाइस, केयरिंग एंड अपनी फैमिली से बहुत अटैच और अपनी फैमिली के बारे में सोचने वाले. एंड डेफिनेटली जब आप इनसे मिलोगे तो ये आपको यही बोलेंगे कि यू नो इनका ड्रीम है कि आप दोनों साथ में रहो, आपकी क्यूट सी फैमिली हो, एक प्यारा सा घर हो. सो यू नो इनके यही बड़ा विजन होगा कि ये अपनी फैमिली को सब कुछ दें. ठीक है, और लेकिन बाहर की दुनिया के लिए जो ये पर्सन होंगे ना, ये थोड़े से अलग हो सकते हैं कि यू नो इस पर्सन को हारना पसंद नहीं है, इस पर्सन को डिफीट पसंद नहीं है. ये पर्सन भले ही यू नो घर में बहुत इमोशनल हो, बहुत केयरिंग हो, ठीक है आपके लिए, लेकिन बाहर की दुनिया के लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेंटली शार्प है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं. ठीक है, तो ये पर्सन जो हैं क्लेवर हो सकते हैं थोड़े, कि इनको हारना पसंद नहीं है. ये किसी भी कुछ भी करेंगे ये, बट ये अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकते. सो यू नो यू विल फील कि जब भी ये पर्सन हार रहे होंगे तो ये कुछ ना कुछ तरीका लगा लेंगे कि ये जीत जाए. जब ये आर्ग्यूमेंट भी हो रहा होगा ना आपके साथ, तो ये एंड में मतलब इनको हारना पसंद नहीं होगा, ये एंड में ऐसा कुछ ना कुछ तो बोलेंगे कि आप भी बोलो ये ठीक है भाई, सॉरी हो गया, ठीक है आप जीते. तो मतलब ये इस तरह के पर्सन होंगे कि इनको दिस पर्सन कैन नॉट एक्सेप्ट डिफीट. ओके, तो थोड़ा सा मतलब होता है कुछ लोगों में कि वो एंड में हारना नहीं चाहते हैं. मून, आई फील कि इस पर्सन का शायद इनकी मदर के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं हो, या कोई मदरली फिगर के संग बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं हो, या ये भी हो सकता है कि इस पर्सन की शायद मॉम ना हो, ये भी हो सकता है. बट यस, देर इज प्रॉब्लम हो सकता है उस बॉन्ड में, या ये भी चीज़ हो सकती है कि ये पर्सन जो है, अगर ऐसे भी प्रॉब्लम नहीं है तो ये भी चीज़ हो सकती है कि ये पर्सन जो है ना, इनको हमेशा एक अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी. मतलब ये पर्सन बहुत जल्दी शायद दूसरों की बातों में आ जाए, या ऐसे हो सकते हैं ये कि दूसरे ने कुछ भी बोल देना, ये बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं, ये बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाती हैं. तो वैसे सेंसिटिव ज़्यादा होंगे ये, किसने कुछ भी बोल दिया तो इनको बहुत जल्दी दिल पे लग गई, बहुत ज़्यादा ये उस बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा यू नो ये उसके बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि अच्छा ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों हो गया. सो ये चीज़ भी है. प्लस आई फील कि मे बी इनकी फैमिली में कुछ लोग ऐसे हों जो यू नो बहुत ज़्यादा अच्छे ना हो, बहुत ज़्यादा यू नो क्लेवर काइंड ऑफ हो. इस तरह के लोग हो सकते हैं इनकी फैमिली में कुछ. और प्रॉबेबली ये चीज़ भी हो सकता है कि कुछ लोग हों जो शायद आपके और इनकी रिलेशनशिप से भी जेलस हो, दैट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबल. बट आई थिंक कि अगर आप दोनों का बॉन्ड स्ट्रांग है तो डैट डजेंट मैटर, तो फिर वो चीज़ मैटर नहीं करेगी. ठीक है, और देन टू ऑफ वॉन्ड्स, तो ये पर्सन ये भी हो सकता है कि जहाँ आप रहते हो वहाँ से काफ़ी दूर रहते हो, प्रॉबेबली ये शायद अब्रॉड भी रह सकते हैं, या आफ्टर मैरिज यू बोथ कैन शिफ्ट टू अब्रॉड. बट यस, इस पर्सन का विजन बहुत बड़ा होगा अपने फ्यूचर को लेके, इस पर्सन के प्लान्स बहुत बड़े होंगे, ये पर्सन ने अच्छा अचीव कर रखा होगा अपनी ज़िंदगी में. और इनका ये भी है कि मैं और अचीव करूँ आगे, और मैं ज़्यादा कैसे अपनी लाइफ में और पैशनेटली कैसे वर्क कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. सो ये पर्सन बहुत एनर्जेटिक भी होंगे, ठीक है, अपने काम को लेके, अपने पैशन को लेके. एंड ये भी है कि यस, यू बोथ कैन शिफ्ट टू अनदर प्लेस आफ्टर मैरिज, एंड आप वहाँ दोनों आप वहाँ जॉब कर सकते हो, तो आप वहाँ अपनी नई लाइफ स्टार्ट कर सकते हो. बट यस, इस पर्सन के ड्रीम सपने बहुत बड़े होंगे. इस पर्सन का ड्रीम हो कि मेरे पास यू नो बड़ा घर हो, पैसे हो, अच्छी लाइफ स्टाइल हो. सो दिस पर्सन
इज ऑफ टेन ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी ऑल्सो की दिस पर्सन वॉन्ट्स इमोशनल स्टेबिलिटी ऑल्सो एज वेल एज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑल्सो. सो बेसिकली ये पर्सन को दोनों तरह की स्टेबिलिटी चाहिए अपनी लाइफ में. तो जब ये दोनों होगी तभी ये पर्सन अपने आप को बैलेंस और सिक्योर महसूस करेगा. ओके सो ये पर्सन फैमिली ओरिएंटेड तो है ही, बट हाउ टू डील विद द आउटसाइड वर्ल्ड वो भी आता है. बट कहीं ना कहीं कुछ फॉर्म में इस पर्सन के साथ पास कुछ ट्रॉमा हो सकते हैं या पास की कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो अभी भी इनको अपसेट करती हैं. तो जब आप इनके साथ रिलेशनशिप में आओगे तो ये आपके साथ शेयर करेंगे. तो बेसिकली ये आपका रोल होगा कि आप उनको कैसे हील करते हो. ओके चलिए अब हम देखते हैं कि हाउ विल बी योर रोमांटिक इमोशनल बॉन्ड आफ्टर मैरिज विथ योर पार्टनर. आपका रोमांटिक इमोशनल बॉन्ड विथ योर पार्टनर आफ्टर मैरिज. इंटीमेसी. सो यस वेरी वेरी रोमांटिक वेरी इमोशनल. ऑफकोर्स ये पर्सन आपके लिए तो बहुत केयरिंग होंगे. ऐसा नहीं कि आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं गलत करी नो. ये पर्सन आपके लिए बहुत केयरिंग होंगे, बहुत लविंग होंगे, बहुत सेंसिटिव होंगे, काफ़ी रोमांटिक होंगे. ठीक है और ये आपको लाइफ की हर हैप्पीनेस देना चाहते हैं. ये दे विल फील कि यू नो जब से आप उनकी लाइफ में आए हो तो उनकी फैमिली कंप्लीट हो गई, उनका घर कंप्लीट हो गया है. सो चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की हो बट यस. और अगर ये आप लड़के और रीडिंग देख रहे हो तो आपकी जो वाइफ होंगी वो बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगी, बहुत अच्छे से घर को संभालने वाली, बहुत अच्छे से हर चीज़ मैनेज करने वाली इस तरह की होंगी. ठीक है और अगर आप लड़की लड़के के लिए देख रही हैं तो ये ऐसी पर्सन काफ़ी रोमांटिक होंगे, काफ़ी आउटगोइंग होंगे, काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड होंगे, अच्छे होंगे, केयरिंग होंगे, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे. डिवाइन मैस्कुलिन. सो दिस पर्सन हैज़ दिस क्वालिटी ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन कि ये दुनिया के लिए बहुत सही है ये पर्सन. कैसे लोगों को चलाना है, कैसे लोगों को यू नो अपनी लिमिट में रखना है, कैसे दुनिया के साथ डील करना है, कैसे स्ट्रॉन्ग माइंडेड रहना है. तो बहुत पैशनेट लियो एनर्जी यहाँ पे, वेरी ब्यूटीफुल वेरी मैस्कुलिन एनर्जी. एंड ये पर्सन बहुत ही शार्प माइंडेड होंगे, बहुत इनका दिमाग बहुत तेज़ होगा, चाहे लड़के हैं चाहे लड़की हैं. अगर लड़की भी है ना ये तो भी ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगी हर काम करने में, हर चीज़ में बहुत एक्टिव होंगी. ठीक है दुनियादारी में एंड एवरीथिंग. सो ये इज़ वेरी वेरी शार्प माइंडेड वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन. आई थिंक इनकी फेमिनिन साइड थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो सकता है. स्पिरिचुअल मेचोरिटी. सो फील की आई फील की आप दोनों ही कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल हो गए. और अगर नहीं है आप में से कोई भी, अगर आई फील कि वो आपके पार्टनर अगर इतने नहीं हो तो आप उनको उस पाथ पे लेके आओगे आफ्टर मैरिज. सो आई थिंक दोनों ही अपनी स्पिरिचुअल जर्नी साथ में कवर करोगे, साथ में ट्रैवल करोगे. और ये भी हो सकता है कि यू नो आफ्टर मैरिज आप दोनों शादी के बाद काफ़ी रिलीजियस प्लेसेस विजिट करो, ये चीज़ भी पॉसिबल है. बट यस कहीं ना कहीं आपका बॉन्ड ऐसा हो कि आप दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ोगे, चाहे अच्छी टाइम आए चाहे बुरा टाइम आए, यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर ईच अदर. एंड यस आप इनको स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे लेके आओगे, आप उनको बताओगे कि क्यों स्पिरिचुअलिटी इंपॉर्टेंट है. कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी ही इस पर्सन की हीलिंग में भी हेल्प कर सकती है. तो आप उनको बताओगे कि वॉट इज़ द रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी. ओके चलिए यहाँ से और देख लेते हैं. हेल्पलेस एंड होपलेस. सी समटाइम्स योर पार्टनर कैन फील दिस वे कि वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हैं या अभी भी वो ऐसा फील कर रहे हो. बट जब आप उनकी लाइफ में होगे तो यू विल ऑब्वियसली कम्प्लीट देम. सो प्रैक्टिकली ये भी हो सकता है कि यू नो आपका ब्रेकअप हुआ हो बिफोर मैरिज या उनका ब्रेकअप हुआ हो, जब आप दूसरे से मिलो तो दूसरे को आप कम्प्लीट करो. सो जब आप इनसे मिलोगे तो ये एक बहुत ही लो फेज से गुजर रहे होंगे, ये चीज़ भी है. क्लैरिटी ऑफ बिलीफ. सो ये जो पर्सन है ऑफकोर्स मेंटली तो स्ट्रांग होंगे ही और काफ़ी क्लियर होंगे अपने डिसीजंस को लेके, अपनी लाइफ की वैल्यूज़ को लेके, और काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होंगे पर्सन. ठीक है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करना और यू नो शायद आप भी ऐसे ही हो स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो दोनों ही एक दूसरे को क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे और जब आप इनकी लाइफ में आओगे तो उनको क्लैरिटी मिलेगी कि ठीक है इनको आपके साथ लाइफ स्पेंड करनी है. देन वी हैव विन और लूज. सो फाइव ऑफ सोर्ड्स का कार्ड फिर से आया है. सो यस दिस पर्सन फॉर दिस पर्सन एवरी थिंग इज़ विन और लूज. ये पर्सन मतलब बीच में नहीं हो सकता है. ठीक है इनके लिए या तो ये जीतेंगे या फिर ये हारेंगे. ये मतलब ऐसे गिव अप करने वालों में से नहीं है कि बीच में ही छोड़ दिया. ठीक है सो रिलेशनशिप के लिए भी ऐसे ही रहेंगे, लाइफ के लिए भी ऐसे ही हैं.
ये एक्चुअली इनको हारना तो पसंद है ही नहीं, तो ये कुछ भी करेंगे कि ये जीतें, तो ये इस तरह की थोड़ी इनकी पर्सनालिटी होगी। चलिए यहाँ से देख लेते हैं। जून, तो जून का मंथ सिग्निफिकेंट हो सकता है, इनका बर्थडे जून में आता हो, या आप जून में मिलो, या आपका बर्थडे जून में हो, या आपकी शादी जून अराउंड कहीं फिक्स हो। बट जून का मंथ कैन बी इम्पॉर्टेंट इन योर रिलेशनशिप। मैरिज, तो यस, मे बी जून के मंथ में आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है या हो सकती है, या आपके पार्टनर का बर्थडे हो, या आपकी कोई स्पेशल डेट हो इस मंथ में। बट यस, ये पर्सन अपनी मैरिज को लेकर बहुत सीरियस होंगे, मतलब बहुत लॉयल होंगे। ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आई थिंक जब ये पर्सन आपके सामने आएंगे तो आपका इंट्यूशन विल गाइड यू कि ये ही राइट पर्सन है, और आपका इंट्यूशन आपको बता देगा। और प्लस ये पर्सन खुद भी बहुत इंट्यूटिव होंगे, सो यू नो इनसे कोई झूठ नहीं बोल सकता है, ये पर्सन बहुत इंट्यूटिव होंगे। गुड फॉर्चून, तो आप इनकी लाइफ में अच्छा फॉर्चून लेके आओगे, ये आपकी लाइफ में अच्छा फॉर्चून लेके आएंगे। यहाँ पे मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लीब्रा, जेमिनाई, दीज साइंस आर वेरी प्रोमिनेंट हियर। पाइसिस, यस पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस। चलिए यहाँ से हम आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं, एडवाइस फॉर ग्रुप नंबर टू। टेक इंस्पायर्ड एक्शन। सो अगर आप इस पर्सन को जानते हैं ऑलरेडी, तो यस, आप उनके लिए एक्शन ले सकते हैं। बट यू नो, आफ्टर जब आप ये पर्सन से मिलोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप उनकी तरफ एक्शन लेने लगोगे, क्योंकि आपका दिल, आपका दिमाग आपको करेगा गाइड कि यस, यही पर्सन है मेरे लिए। देन एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ। सो आई थिंक विद दिस पर्सन आफ्टर मैरिज, यू नो, जस्ट गो विद द फ्लो। जो भी है, फ्लो ऑफ लाइफ आपका चलता रहना चाहिए। कभी अच्छा टाइम होता है, कभी बुरा टाइम होता है, सो जो भी है, ऑलवेज ऑलवेज सपोर्ट योर पार्टनर। देन वी हैव नो यू आर लव्ड, एंड नो दिस थिंग कि आपके पार्टनर जो है ना, वो आपसे हमेशा लव करेंगे, भले ही वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो। आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज थोड़ी अलग हो सकती है आपकी लव लैंग्वेज से, और मे बी शायद आप में से कुछ लोगों की लव मैरिज भी ना होगी, अरेंज मैरिज भी हो सकती है, कुछ लोगों की लव है, कुछ लोगों की अरेंज भी है, ठीक है। तो बट ऑलवेज बिलीव कि आपके पार्टनर आपसे लव करते हैं, उनकी लव लैंग्वेज को समझो कि उनका प्यार दिखाने का तरीका क्या है। कुछ लोगों का ओपन तरीका होता है कि ठीक है, ओपनली दे आर एक्सप्रेसिंग, कुछ लोगों का इनडायरेक्ट वे होता है एक्सप्रेस करने का। सो नो ऑलवेज दैट यू आर लव, अंडरस्टैंड द लव लैंग्वेज ऑफ योर पार्टनर, एंड आई थिंक तब जाके बैलेंस जो है वो बैठेगा आपके रिलेशनशिप में। ओके सो गाइज, ग्रुप नंबर टू, दिस इज योर रीडिंग। आई होप कि आपको यहाँ से हेल्प और गाइडेंस मिली हो, and thank you for watching. Please do like, share and subscribe, and for personal readings, DM me on Instagram. Bye, take care.